हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, यानी कि 8 फॉर्मूले पढ़े थे हमने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। वो फॉर्मूले अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनको अभी और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। तो 9 नंबर पे है, अगर आपका देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, डिफरेंशिएशन का, फिर हमने इंटीग्रेशन किया था उनका। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है। इसी तरीके से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, यानी कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करें, तो क्या आ जाएगा, ये x की पावर n प्लस c आ जाएगा। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर n का डी एक्स के लिए, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस में सी, ये बन जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, 10th नंबर पे आपका जो फॉर्मूला है वो है डी, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, 1/x। तो हम 1/x का डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास, लॉग एक्स आएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर इसके आप क्या लगा सकते हैं, मोड लगा सकते हैं प्लस c। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 11th, वो है हमारा साइन इनवर्स x का d बाई डी एक्स, यानी कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने निकाल लिए, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो इसका जो कन्वर्स है, रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे केवल नेगेटिव आ जाएगा पिछले फॉर्मूले में, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, 1 - x² का अंडर रूट। अगर इसका करेंगे, यानी कि इसके नेगेटिव का जो दे रखा है उसके नेगेटिव का करेंगे, तो -1/(1 - x² का अंडर जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा, ये कोस इनवर्स x प्लस में सी। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना, केवल इतना ही है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x, यहाँ पे नेगेटिव है तो कोस इनवर्स x। नेक्स्ट नंबर 13 हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, अच्छे से पता है, 1 + x² ये होता है। अगर इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे 1/(1 + x² डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट 14th है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 10 के बाद कोट इनवर्स एक्स देख सकते हैं। कोट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/(1 + x², ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इसके नेगेटिव का इंटीग्रेशन, यानी 1 + x² का नेगेटिव है जो है डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी। नेक्स्ट में हम चलते हैं अब 15th पे, तो वो क्या है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कोट के बाद में हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स, और ये क्या होता है आपका, इसका डेरिवेटिव होता है -1/(x² - 1), सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होता है। अगर इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो देखो सेक इनवर्स एक्स ये हो जाएगा 1/(x² - 1) और डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस में
सी। अब मैं यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि कुछ फॉर्मूले और बच गए हैं, उनको और देख लेते हैं यहाँ पे। तब तक आप इनको अच्छे से नोट करो और याद कर लीजिएगा। तो 16 नंबर पे आता है अब आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डी एक्स। अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर ये माइनस यहाँ पे नहीं हो तो इसका माइनस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है आपका, इस तरीके से भी ये इजीली सॉल्व हो सकता है। ये बहुत सारे हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, हो सकता है कुछ फॉर्मूले अभी छूट गए हैं, वो हम जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो फॉर्मूले आपको बता देंगे। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन फॉर्मूलों पे बेस्ड, क्योंकि इनको अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्मूले तो आपने याद कर लिए, लर्न कर लिए, अभी तक समझ लिए हैं आपने, तब हम इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने देखा था एक फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, डी बाई डी एक्स की पावर एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, और इसका उल्टा जो हमने देखा था, यानी कि ये क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या देखा था हमने, एक्स की पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है यानी कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है एक्स की पावर थ्री का और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। देखो सीधा सा फॉर्मूला है, जो एन यहाँ पे है, एन क्या है यहाँ पे थ्री है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स की पावर थ्री प्लस वन और डिवाइड में क्या आ जाएगा, थ्री प्लस वन प्लस में सी। ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस में सी। ये इसका आंसर हो गया है। तो इसी तरीके से हम इनको यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जो आपका एक्सरसाइज 9.1 रहेगा उसमें कंप्लीट यही फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। यानी कि जो एक्सरसाइज 9.1 है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चंस वहाँ पे हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे और जैसे ही आप समझ लोगे तो हम स्पीड फिर उसके बाद में बढ़ा दें। कुछ और देखते हैं, जैसे कि इसी तरीके के एग्जांपल जो बहुत ही सिंपल सिंपल हैं एग्जांपल्स, जैसे कि अगर आपके पास आता है x की पावर 5, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सीधा है, बहुत ही सिंपल है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस में सी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 और यहाँ पे सी लगाना नहीं भूलना है। तो क्या हो गया, एक्स की पावर 6 बाई 6 प्लस सी, ये बन गया है आपका इसका इंटीग्रेशन। जैसे कि इसके अलावा हम लेते हैं एक्स की पावर 5 बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर 5 बाई 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे भी 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस में सी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो 5 बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 7 बाई 2 अपॉन में 7 बाई 2 प्लस में सी। अगर इसको ऊपर ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप आंसर किस फॉर्म में इसका दे रहे हो। अगर इसके अलावा कुछ और भी देखें, तो जैसे कि आपका कोई भी फंक्शन है, चलो रोको सर जी, फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मेरे को ध्यान में आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल है आपका रूट एक्स, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 बाई 2 डी एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर यानी कि इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 इज प्लस में सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x की पावर 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाई 2। अगर इसको और सोल्व करोगे प्लस में सी तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3 बाई 2 बाई 3।
थ्री प्लस में सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके के बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है 9.1 में, लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक हम जानेंगे। अभी तो केवल हमने फॉर्मूले ही देखे हैं, तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि इन सभी फॉर्मूलों को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद में इन फॉर्मूलों पर बेस्ड सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे 9.1 से, और तो आपके फॉर्मूले और याद हो जाएंगे और उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छे से याद कर लेना, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।